अभी हमारे साथ एक युवा नेता परवेज हसन दानिश हैं, जो बिस्फी विधानसभा से जो है एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं, मधुबनी में ये रहते हैं। इन्होंने जिला पदाधिकारी महोदय को जो है एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन में इनका आरोप है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं, और वहीं इनका आरोप है कि पैसा लेकर भी जो है लोगों को लोन दे रहे हैं। बात बाकी बात जो है हम इनसे ही करेंगे। आपने जिला पदाधिकारी महोदय को जो आवेदन दिया है, ये क्या है और क्यों है? देखिए, ये आवेदन हमने इसलिए दिया है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत अच्छा योजना है, अल्पसंख्यक युवाओं के युवा या युवती के रोजगार हेतु 1 लाख से 5 लाख रुपया तक का लोन दिया जाता है। ये जो ऋण राशि है ये बेरोजगार लोगों के लिए है, लेकिन ये जो मधुबनी जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं ये बिल्कुल भ्रष्ट हैं। और मेरा एकदम सीधा आरोप है कि सरकार के दिए हुए गाइडलाइन का वो बख्या उधेड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनको कमीशन के तौर पर पैसा मिलता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि सरकार का ये कहना है कि हम वैसे व्यक्ति को रोजगार देंगे जो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में न हो। इन्होंने जो चयन सूची बनाया है उसमें इन्होंने सरकारी शिक्षक का नाम डाला हुआ है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइएगा उनके ऑफिस के बाहर जो सूची बनी हुई है, जो 20 तारीख को उन्होंने ऑफिस के बाहर चिपकाया है, उसमें देख रहा हूँ कि शिक्षक का है। सरकार का ये गाइडलाइन है कि जिस परिवार का वार्षिक आय 4 लाख से अधिक हो उसको लोन नहीं मिलेगा। यानी मेरे परिवार में कोई भी आदमी 4 लाख से ज़्यादा कमाता हो तो उसको लोन नहीं मिलेगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी जो साल भर में 5 लाख रुपया टैक्स दिया है सरकार को। लेकिन ये जो आदमी है ये कैसा है, ये सरकारी आदमी है या फिर गैर सरकारी है, ये बताइए। सरकारी आदमी है जो शिक्षक है, हाँ। जिसकी सूची में मैं नाम देख पा रहा हूँ। दूसरा जो आदमी है वो एक समझिए कि व्यवसायी है, और उसकी व्यवसायी ऐसी नहीं है कि मतलब अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है तभी तो 5 लाख रुपया का उसने टैक्स दिया सरकार को। तो जब 5 लाख का टैक्स दिया तो उसकी वार्षिक आय 4 लाख से अधिक कैसे नहीं होगी? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जांच का विषय है, और हमने जिला पदाधिकारी मधुबनी महोदय को एक आवेदन दे करके इस विषय की जांच के लिए गुहार लगाई है, और उसकी एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को दे दिया है हमने, मतलब पोस्ट किया है, भेजा है, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी हमने भेजा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हो तो 1-2 दिन में मैं पटना जाऊँगा, जमा खान साहब जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं मैं उनसे मिलूँगा भी। और उससे आगे मैं एक और बात बता रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ कोर्ट, और वहाँ जा कर के जो यहाँ ये चलता है SDO साहब का जन शिकायत लोक शिकायत, मैं उसमें भी जा कर के आवेदन दे रहा हूँ कि इसकी तो जांच होनी ही चाहिए कि उसने गलत ढंग से सूची बनाई है। उसके अलावा सूची की जो बात आप कर रहे हैं, क्या आपने सूची देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल देखा है, हमारे पास सूची का छाया पड़ती है, हमने फोटो लिया है। और उसके अलावा मैं जो गाइडलाइन है सरकार का वो गाइडलाइन भी मेरे पास मौजूद है। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, उनका इंटर पास है और दवा का दुकान है, और दवा के दुकान का लाइसेंस है उसके पास, लाइसेंस की भी छाया पड़ती दिया, सारा कुछ दिया। उसका उम्र 32 साल है, जबकि 50 साल तक 18 से लेकर के 50 साल तक की आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जब उनका सूची में नाम नहीं आया, वो व्यक्ति वहाँ गए कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो पदाधिकारी महोदय ने उसका कारण ये बताया है कि आपका उम्र कम है इसलिए आपको उस श्रेणी में नहीं लिया गया, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं डाला गया। तो आप कितने उम्र के आदमी को देना चाहते हैं? एक और उसमें अनियमितता बरती गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी जो करतूत है उसको छुपाने के लिए। इससे पहले जो भी सूची बनती थी तो जितने भी आवेदक हैं, सारे आवेदक का, चाहे वो लिस्ट में आया हो या नहीं आया हो, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है यानी आपको चयन सूची में नहीं रखा गया है, उसका भी एक कारण जो है चिपकाया जाता था कि आपको इस कारण से चयन सूची में नहीं रखा गया है। उसके अलावा जिन लोगों का चयन सूची में नाम होता था उसका भी पात्रता डाला जाता था कि ये इतने पढ़े लिखे हैं इसलिए इसका नाम आया है। अपनी जो बेईमानी है उसको छुपाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि केवल नाम और उसका पता डाल दिया है कि भाई ये आदमी का चयन सूची में नाम है, और उसमें
दो चार लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। अगर हम समझते हैं कि इसकी जांच होगी तो पदाधिकारी बुरी तरह से। अच्छा, ये बताइए ये सब क्यों हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताइए। भ्रष्ट पदाधिकारी अपने मनमाने ढंग से, उनका मन बढ़ गया है और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी थोड़ा एक्टिव उनको दिखा तो उनको वो अपना समझा बुझा करके या अगले बार का भरोसा दे करके ये कर देते हैं, मना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस पदाधिकारी की अपने संपत्ति की जांच करवाई जाएगी तो ये इतने भ्रष्ट हैं कि उसमें भी ये देखिएगा कि ये आदमी फंसेंगे। ये बिल्कुल हम मानते हैं कि हर आदमी को अलग अलग से, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनका कॉल डिटेल निकलवाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है सबको, वहाँ CCTV भी लगा हुआ है, उससे भी पता चलेगा। अकेले अकेले करके लिस्टिंग बनाने टाइम में, ये जो योजना है वो अल्पसंख्यक के लिए है, मतलब के? हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। और मैं इससे पहले जो बोल रहा था कि अकेले अकेले सब आवेदक को बुलाया गया, जो लोग पैसा दिए उन लोगों का नाम आया, जिन लोगों पैसा नहीं दिए उन लोगों का नाम नहीं आया। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा। आवेदन आपने कब दिया? ये आवेदन हमने कल दिया है। अच्छा, क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से? इसकी एक कमेटी बना करके जांच करवा दी जाए, जो भी आवेदक हैं सारे आवेदक को पुनः फिर से दोबारा जांच किया जाए और ये जो सूची बनाई गई है इसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। आप इसकी जांच होगी तो जल्द ही पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी अनियमितता बरती है और पैसा लेकर के खेल वेल किया गया। ये तो आपने जो ये आवेदन सौंपा है जिला पदाधिकारी को, क्या आश्वासन आपको वहाँ से मिला या फिर अभी कुछ बात नहीं? देखिए, इसका तो थोड़ा सा प्रोसेस है तो हम तब तक रुकेंगे और हमको उम्मीद है कि वर्तमान कि इस पे त्वरित जांच होगी। हम इसी उम्मीद पर रुके हुए हैं, अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम लोग आंदोलन भी करते हैं और व्यापक आंदोलन करते हैं। इस जिला ने देखा भी है तो जब जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ने की भी ताकत रखते हैं और लड़ेंगे। और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से गलत किया गया है तो उस गलत का पर्दाफाश भी होगा और जो दोषी है, गलत करने वाले व्यक्ति हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे परवेज हसन दानिश, और इनका जो आरोप है वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पर है कि उन्होंने मनमानी किया, अपने ढंग से जो है काम किया, जिसको लोन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है और जिसको लोन नहीं मिलना चाहिए वैसे लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है और जांच होगी, उसके बाद ही जो है ये पता चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।